मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में 29 करोड़ 30 लाख की लागत से नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दतिया के बसई में महाविद्यालय खोलने, नगर पंचायत बनाने के साथ साथ ग्राम खिरिया फैजुल्ला का नाम खिरिया सरकार करने हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय नागरिक विमानन एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट, लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़, सांसद श्रीमती संध्या राय, वास वोट के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बधोलिया, विधायक भांडर श्रीमती रक्षा संतराम सिरोनिया आदि मंचासीन थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक विकास दतिया में हुआ। इसके पीछे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र की अथक मेहनत एवं परिश्रम के साथ माँ पीताम्बरा की कृपा रही है। उन्होंने कहा कि बहनों के कल्याण के लिए लाडली बहना योजना संचालित की है। इस योजना में बहनों के खातों में प्रति माह 1,000 रुपए की राशि पहुंच रही है, जो धीरे धीरे बढ़कर प्रति माह 3,000 रुपए की जाएगी। यह राशि नहीं बल्कि बहनों के मान सम्मान देने के साथ उनका हक दिया है। जहाँ पैसा होता है वहाँ मान एवं सम्मान भी बढ़ता है। हमारी बहनों अब पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वहीं भाई होने के नाते बहन की जिंदगी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बहनों की जिंदगी में किसी भी प्रकार की तकलीफ एवं आंखों में आंसू नहीं आने दिए जाएंगे। वहीं श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश उनका मंदिर है, प्रदेश की जनता उनकी भगवान है और वह उसके पुजारी हैं। विकास पुरुष अगर मैं कह रहा हूँ अतिशयोक्ति नहीं है, सचमुच में दतिया के विकास की जो तड़प और ललक मैंने नरोत्तम मिश्रा जी के मन में देखी, मैंने और किसी नेता के मन में देखी। दतिया की तस्वीर बदलने वाले, और जब भी मुझे लगता है सरकार के नाते कि कोई काम ऐसा है कि जो बहुत कठिन है, तो वो काम करने में कौन को दूं, तो एक ही नाम याद आता है, नरोत्तम मिश्रा जी। आज जब मैं आया तो मुझे एक आवेदन मिला ग्राम पंचायत खिड़िया फैजुल्ला का। अब बताओ, खैरी वाली मैया और सबकी आस्था उनमें 100%, तो यहाँ फैजुल्ला नाम लीजिए पड़ रही है। और जब प्रस्ताव जो आपने पंचायत के पास किया है, इस गांव का नाम खिरिया खिरिया का है, ऐसा है खिरिया है खिरिया का, और इसलिए इस गांव का नाम उनने मांग के खिरिया सरकार की जाए। क्या भाई सही बात है ना, कर दिया जाए तो तत्काल खिरिया सरकार नाम का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया जाए। आज मैं थोड़ी सी चूक हो गई थी, और वो चूक भी ग्वालियर संभाग से ज्यादा हुई थी, और ग्वालियर चंबल से भी इसलिए हो गई थी कि कांग्रेस ने दूल्हा दिखाया कोई और फेरे पार दिए कोई। अब ये गड़बड़ हो गई थी, और जब उस सरकार में कोई काम नहीं हुए तो उस गड़बड़ को आदरणीय सिंधिया जी ने ठीक कर दिया, सही कर दिया, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज गिराने की जरूरत नहीं, नरोत्तम जी बता रहे थे, और वो कह रहे थे कुछ मांगू, लोगों का मत मांगना, सबने का कुछ बचा नहीं, लेकिन कलाकार बहुत कैसे मांगना है, लेकिन मांगेंगे जरूर। तो चिंता काय को करते हो गृह मंत्री जी, मैं भी दूंगा जरूर, बसई में कॉलेज भी और नगर पंचायत भी कर दूंगा। एक तरफ मेरी बहनों, मेरी गरीब बहन, जरा दिल में हाथ रख के बताओ, अगर कभी 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था कि नहीं? बहनों तुम बोल के बताओ, फैलाना पड़ता था कि नहीं? बेटा बेटी को कपड़े दिलाना है, किताब दिलाना है, मायके जाना, पैसे की जरूरत, कई बार तो साहब से भी कहा कि मैं जा रही हूँ मायके, जरा दे दे, तो सावन का महीना है, तो वो ही कह देते थे जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। मैंने सोचा कि शिवराज भैया तो तू है, क्योंकि बेटा बेटियों का मामा,
तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं हुआ? बहनों जोर से बोल के बताओ, आज भाई बहन की बात हो रही, हुआ कि नहीं? तो भाई का भी तो कोई फर्ज होता है, और भाई भी मुख्यमंत्री। और जब मैं कई दिनों से सोचा था लाडली लक्ष्मी योजना बन गई, कन्या विवाह बन गई, कई बन गई, आज उनकी बात नहीं करूंगा, समय नहीं है। लेकिन मेरे मन में आया कि भाई सावन के महीने में, भाई सावन के महीने में अपनी बहन को लेने जाता है, बहन कलाई पर राखी बांधती है, और उस राखी के बदले भाई बहन को कुछ ना कुछ देता है, कपड़े देगा, साड़ी देगा, रुपया देगा, देता कि नहीं देता? जोर से बोलो ना, मैं भी तो भाई हूं, बताओ भाई हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगई हूं। तो मेरे मन में आया कि बहने छोटी छोटी चीज के लिए परेशान होती है, और इसलिए कोई एक ऐसी योजना और बने कि बहनों को कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, जरूरत पड़े तो बैंक जाओ पैसा निकाल लिया। और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने लाडली बहनों के खाते में, साल में एक बार देने से काम नहीं चलता, एक बार देने से चलता क्या? जोर से बताओ ना। इसलिए तय किया हर महीने बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाले जाएंगे। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।